11 मैं हूँ, चल चल हाथ तल का। छोड़ दिया था तूने पागल सी, नहीं छोड़ा था। 12 आई आई ये यार, ओह लास्ट है। उई उई क्या हुआ, मेरे बाल नकली निकाले कि क्या बोलूं। एंड लास्ट 12 छोड़ दे, पकड़ लेगी। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू आवर अनदर जिम वीडियो। तो आज मैं और पायल आ गए जिम में वर्कआउट करने के लिए। अरमान जी थोड़ा सा बिजी थे इसलिए वो नहीं आ पाए। तो आज हम करेंगे मिक्स वर्कआउट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि अरमान जी जब होते हैं ना तो हमें बता देते हैं कि आज ये करो आज वो करो आज ये करो। तो जितनी भी हमें आती है ना एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज आज ही कर लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग स्ट्रेचिंग से। पहले जमीन से हाथ लगा, घुटने से तेरा ऐसे नहीं करते, लगा के रखते हैं, होल्ड करते हैं। तो गाइस स्ट्रेचिंग हो गई है कंप्लीट। तो पहले क्या करें बोलो? चेस्ट वर्कआउट, चेस्ट बैक शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप एंड फिर लेग। तो पहले इससे करते हैं। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट की, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस। तो पायल ने स्टार्ट कर दिया है और इसके ना हम 3 सेट्स करेंगे 20 ईच। तो गाइस मेरा पहला सेट हो गया है, अब गोलू की बारी है। गोलू थोड़ा पीछे हो, करो। हाँ कर। So guys, ये है हमारा सेकंड सेट और वेट है 5 ईच मींस 10 kg। तो इसके अंदर हम 15 रैप्स निकालेंगे और ऐसे होगा, पहले 20 15 फिर उसके बाद 12 1 11 मैं हूँ, चल चल हाथ तल का। वेरी गुड। छोड़ दिया था तूने पागल सी, नहीं छोड़ा था, तेरी हेल्प कर रही थी। 15 वेरी गुड। चल शुरू कर, 1 2 3 स्टार्ट तो कर, 1 2 3 पहले ही। 12 13 थोड़ा सा नीचे कर दे, ठीक है। 14 लास्ट में खुद करती हूँ। हाँ कर। उपायल के अभी तो 5 ही थे। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेट जिसका हम निकालेंगे 10 टू 12 रैप्स, जितना हम कर सकते हैं उतना ट्राई करेंगे। 10 टू है, बाकी 12 आपकी विश है। तो डाल दिया मैंने 7.5। गोलू कभी भी सपोर्ट देते हैं ना तो ऐसे नहीं देते, ऐसे देते। एक काम कर, तू दोबारा कर ले। नहीं नहीं मेरा हो गया, बार बार थोड़ी करूंगी। पहले मैं पहली बार वेट मार रही हूँ। मार चलो 1 2 3। तो गाइस हमारा फर्स्ट सेट हो गया है। सो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट की, चेस्ट इंक्लाइन स्मिथ मशीन पर। तो पायल ही स्टार्ट कर रही है क्योंकि पायल ने स्टार्ट किया था ना एक्सरसाइज। तो अभी हम विदाउट वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रैप्स बढ़ते रहेंगे, रेपिटेशन बढ़ती रहेंगी, वैसे वेट अपना इंक्रीज करेंगे। तो वेट ना हम लोगों ने ना फर्स्ट रैप में पुट ऑन कर दिया है 2.5 5 kg। मैं वेट चेंज कर रही हूँ, पहले 2.5 था, 5 करेंगे। इसके बाद तीसरा सेट करेंगे हम 7.5। 1 2 जब चाहिए होगी बता, जब हेल्प चाहिए बताइए। 1 2 3 बस कर कर, अभी तो 8 हुए। 9 हो, 3 रह गए। 10 11 लास्ट खुद करती हूँ। कर कर 12 उसी निकल गई। ओफो यार बड़ा मुश्किल है। हो गाइस सच में वेट बढ़ाना आसान होता है गाइस, वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जबान पे कंट्रोल और एक्सरसाइज प्रॉपर। सो गाइस ये हमारा थर्ड सेट है और इसके अंदर वेट है 7.5। तो लेट्स स्टार्ट और इसके अंदर हम ना रैप्स निकालेंगे मिनिमम जितनी हो सके उतनी, जितने हो सके 8 से 10। जबरदस्ती नहीं करनी, हाँ बिल्कुल नहीं करनी। चलो हाँ चलो, थोड़ा नीचे आंदे। 2 3 4 5 बिल्कुल मिनिमम हेल्प दे रही हूँ पायल को। 6 7 वेरी गुड। 8 लास्ट 9 लास्ट है। 10 शुरू कर, सपोर्ट कर दियो, कर दूंगी टेंशन मत। एक लगा के देख पहले, नीचे तक लेके आओ, ऊपर मैं करवा दूंगी।
थोड़ा सपोर्ट कम लास्ट हो गया गाइस। तो दूसरा हमारा इंक्लाइन का हो गया है, तीन सेट अप करेंगे डिक्लाइन। सो ये हमारा लास्ट सेट डिक्लाइन बेंच प्रेस। चलो 2। सो गाइस ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की डिक्लाइन चेस्ट ऑन स्मिथ मशीन। गाइस ये है सेकंड सेट और वेट है 2.5-2.5 दोनों साइड। सेवन नहीं चाहिए, 8-9-10 अब दे दियो। 5 में इतना टीचर तो जान दे। 12-13-14 नीचे जान दे। 15 उई उई क्या हुआ, मेरे बाल नकली निकाले कि क्या बोलू मैं थोड़ी करे बाबू तेरे बाल। अब मैं उठो कैसे, रुक जा ऐसे रहे गिरना पड़ेगा। ये ले निकाल ये ले, अभी गंजी हो जाती मैं। तभी मैंने पोनी करी हुई है, तेरे बार बार क्लचर पकड़ती हूँ। मेरे पास है क्या क्लचर तेरे पास, तूने दिया था मुझे दिया। चल टाइम वेस्ट मत कर। 6 घुमारी रॉड, रुक जा। 8 से ज्यादा नहीं हुआ गाइस। डिक्लाइन में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इंक्लाइन तो फिर भी हो जाता है। डिक्लाइन में पूरा जोर लगता है पर। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज है बैक की लैट पुल डाउन और इसकी हम करेंगे 3 सेट 15 ईच। पाल कौन सा है तेरा? 6-7 8 वेरी गुड 9-10 11 12 13 14 वेरी गुड 15 छोटी हूँ ना, ऊपर छोड़ना पड़ता है। मेरा मजाक मत बनाओ। तो गाइस पहले जो वेट था वो था 15 kg, सेकंड सेट में हमारा है 20 kg, इसके बाद करेंगे 25 ठीक है। 1 वेरी गुड 5-7 बिल्कुल लाइट हेल्प कर रही हूँ पाल को। एंड लास्ट 12 छोड़ दे, पकड़ लेगी। हाँ तो अब बोलूँ गाइस सेकंड सेट वेट है 20 kg, तेरे को तो चाहिए थी हमारा हेल्प, चाहिए हेल्प देखती हूँ जितने कर सकती हूँ। चल करना उसमें काट देगा वो, कट जाएगा। नहीं 12 ही करने थे। 11 लास्ट 12 बिना हेल्प के किया। हाँ बढ़ा रही हूँ। तो गाइज अब मैं करने वाली हूँ ट्रेडमिल, सॉरी क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर करूंगी मैं कम से कम 15 मिनट या 12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करूंगी। तो गाइज मेरा क्रॉस ट्रेनर हो गया है, अब मैं कर रही हूँ ट्रेडमिल। ट्रेडमिल में मैं कम से कम बस 10 मिनट करूंगी, 10 से ज्यादा आज नहीं हो पाएगा। और इसके बाद मेरा जो है वर्कआउट खत्म होने वाला है। गोलू तेरा रह गया। तो गाइस जब तक पाल कार्डियो कर रही है ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना एप्स का वर्कआउट लेग रेस। तो लेग रेस की मैं 3 सेट करूंगी 25-30 ईच, मतलब ट्राई करूंगी 25-30 के बीच में। सो सेकंड वेरिएशन है मेरी क्रंचेस, सेम क्रंचेस के भी 3 सेट। लास्ट टाइम तुझसे प्लैंक नहीं हुआ था ना? नहीं। प्लैंक की प्रैक्टिस कर। ठीक है। थोड़ा नीचे कर सकती हूँ? हाँ ऊपर नीचे कर सकती है। वैसे कम से कम 30 सेकंड तो स्ट्रेट रहे। और ये गोलू थोड़ा तेरा तो वेट लूज हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा गाइस लेकिन इंचेस जा रहे हैं गोलू के भी। चल अब खिड़की उड़की बंद करो, हल्का हो गया। सो गाइस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे रहा था। घर पे भी फिर चीकू का व्लॉग था, साथ ही साथ फार्म भी गए थे। तो बस आज का जो हमारा जिम वाला व्लॉग है ना यही एंड करते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो ताकि हम लोग ना मोटिवेट होते रहे और जिम करते रहो, ताकि आप लोग भी ना घर बैठे बैठे हमारी तरफ से मोटिवेट होते रहो। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है ना जो जिम नहीं जा सकती, एटलीस्ट वो घर पे एक्सरसाइज करे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी जिम का सेटअप हो तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर दिल में चाहो ना तो आप घर पे भी कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट जिम वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइज, गुड नाइट।